हे गाइस, आज हम इस गेम को जो है बिना हेडफोन के खेलने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को चैलेंज दिया था कि भाई नो हेडफोन चैलेंज करो। इसमें होगा क्या कि मैं बिना हेडफोन के खेलूंगा, यानी कि जीरो वॉइस, यानी कि मेरे को जो है बंदों को मारने के लिए सिर्फ विजुअल्स के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हेडफोन है नहीं तो कोई आवाज़ तो आएगी नहीं कि कौन बंदा नीचे से रश कर रहा है या कौन बंदा मेरे लेफ्ट राइट से फायर कर रहा है। बट एक चीज़ आपकी हेल्प कर देते हैं इस चीज़ में, वो है आपका मैप, मिनी मैप, जिसे हम मिनी मैप कहते हैं। मिनी मैप में कहाँ से आपके राइट से फायरिंग हो रही है, लेफ्ट से फायरिंग हो रही है, सब पता लग जाता है। सो चलो आज की इस वीडियो में आप लोग का ये चैलेंज, जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं करा था, कभी भी मैंने आज तक नो हेडफोन चैलेंज नहीं किया था, क्योंकि मेरे को अजीब सा लगता था यार बिना हेडफोन के खेल के, लाइक कैसा ही लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कौन पुश कर रहा है, किधर से फायरिंग हो रही है, मेरे ऊपर नीड कहाँ से आ गया ये भी पता नहीं चलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है गेम से आउट ही हो जाएंगी, बिना साउंड के इस गेम का कोई वजूद है नहीं। तो आज वही चैलेंज करने वाले हैं एंड देखेंगे कि अपन नो हेडफोन चैलेंज करके कितने किल कर पाते हैं, चिकन डिनर कर भी पाते हैं कि नहीं। लास्ट जोन में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो कोई मतलब ही नहीं, चिकन डिनर तो इम्पॉसिबल सा ही लगा लो ठीक है इसमें। बट अपन ट्राई करेंगे, एक देखते हैं कितनी एंड तक इसको अपन खींच के लेके जा सकते हैं एट द एंड, है ना। और मैं मेनली रश करने के लिए ट्राई करूँगा, जो भी मेरे आजू बाजू के जो फूट्स आ रहे हैं उन पर रिलाई करने का, और मेरे टीममेट की कॉल्स पे, क्योंकि मेरे टीममेट भी मेरे साथ खेल रहे हैं, तो वो भी मेरे को बता सकता है कि तेरे राइट में बंदा है, लेफ्ट में बंदा है, तो इतनी सी हेल्प अपन ले सकते हैं यार अपने टीममेट की। और देखते अपन जो है पूरे पोचिंग की को खाली कर पाते कि नहीं। फिलहाल मेरा टीममेट ठिल गया है, पत्नी कहाँ ही घूम रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, बट फिलहाल जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंसा वसा महसूस कर रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे सामने फुट आ रहे हैं बट मुझे नहीं पता है कि वो मेरी बिल्डिंग के नीचे, मेरी सामने वाली बिल्डिंग, तो मैं तो वहाँ से बिल्कुल ही निकल लेता हूँ, लेकिन बाद में मेरे को पता लगता है कि वो उसी बिल्डिंग में थे बंदे। अच्छा हुआ मैं वहाँ से निकल गया, अदरवाइज ये देखो कितनी गंदी पड़ी है, कहाँ से पड़ी है, तो वो ट्रिपल स्टोरी से पड़ी मेरे को। तो इतना थोड़ा बहुत यार इतना खेल लिया तो अंदाज़ा हो गया है कि जब भी पड़ती है ना लेफ्ट से पड़ती है तो एकदम से पता लग जाता है कि यहाँ लेफ्ट से पड़ी है, और राइट से फायरिंग होती है तो एकदम से पता लग जाता है। और फिलहाल इस बिल्डिंग वाले बंदों को मारना था, मैं यहाँ से अजय भी फुट दे के आ रहा था, इसको पता ही नहीं चला देखो, जबकि मैं फुट देते हुए आ रहा हूँ जंप करके यहाँ पे। अब इसका टीममेट भी था, मेरे को लगा सीढ़ियों से आएगा, एक तो ये जंप नहीं होती भाई। अब मैंने इसके पीछे से गया और इसको भी लिटा दिया, तो 1v2 करना भी यार बड़ी बात है पता है नो फुट में, अब ये नो हेडफोन चैलेंज में। अब आप लोग बोलोगे यार नो हेडफोन चैलेंज हमें कैसे पता लगेगा यार, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे डिवाइस में बैटरी बची थी सिर्फ 5% एंड मैंने उसको जो है चार्ज पे लगा दिया, एंड चार्ज पे लगाते मैंने स्टार्ट भी कर दिया, तो फिर हेडफोन में माउंट नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं बिना हेडफोन के खेलते हैं, चलो क्या पता, मतलब ऐसे नॉर्मली स्टार्ट कर दिया था मैंने एंड रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, और देखा जाए तो खेलता गया बनता गया, तो नो हेडफोन चैलेंज ही हो गया ये। मतलब मैं करना बिल्कुल नहीं चाह रहा था नो हेडफोन चैलेंज, बस ये हो गया, और मेरे सामने एक पूरी टीम आती है ओपन में, बेचारे ये भी मेरी तरह ही कूदे थे एंड ये मेरे ऊपर रश कर रहे थे, दो बंदे तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे, अब वो मेरे साइड से हो सकता पीछे की साइड से आ जाए इतनी देर में, मेरे को कुछ फुट तो आ ही नहीं रहा था कहाँ है, तो मैं नीचे कूद जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको क्या ही यार पॉज लेके बताऊँ, अब आखिरी बंदा बचा शायद, तीन थे ये और इसको भी फेल दिया, चौथा बंदा था यार, देखे तो मेरे को चार ही थे, पता नहीं पहले शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट कोई बात नहीं, फिलहाल कोई फुट नहीं आ रहा, ये नॉक का आ रहा है, इसे फेल देते हैं गाइस एंड थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लूट ले लेते हैं यार, क्योंकि मेरे को चार बंदे दिखे थे, अगर चौथा बंदा हुआ एंड वो कहीं घास वास में लेटा, यार लोगों को नहीं पता ना कि मैं जो है नो हेडफोन चैलेंज कर रहा हूँ, तो वो तो फ़ायदा उठा नहीं सकते। अब मैं देखता हूँ मेरा टीममेट कहता है तेरे नीचे फुट आ रहा है जल्दी, अब मैं फॉलो करता हूँ एंड काफ़ी जल्दी इस बंदे को, ये आखिरी बंदा था गाइस उनका, इसे अगर नहीं मार दे तो हो गया था काम। अब देखा देखी मैंने पता फ़ोन भी चार्ज हो रहा था और मैं देख रहा था यार 10 किल भी हो ही गए, तो चलो क्यों ना अब ये नो हेडफोन चैलेंज का ही कुछ ट्राई किया जाए। तो अब मैं जा रहा था चिकन के लिए, अब बगैर मेरे को होल्ड करना था गाइज, एंड क्या मैं होल्ड कर पाऊंगा वो देखते रहिए गाइज, आगे का गेम प्ले जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार ठीक है स्टार्टिंग में क्लोज रेंज में तो आपको मार दोगे क्योंकि विजुअल्स है, लॉन्ग रेंज में जो है गाइज फुट की जरूरत पड़ती नहीं है, तो थोड़ी सी हेल्प आपकी वहाँ भी हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग रेंज में अब 200 मीटर दूर किसी के फुट थोड़ी आएंगे, वहाँ पे सिर्फ विजुअल दिखते हैं और लॉन्ग रेंज में फाइट चलती है बस, तो वही सीन था। अब बाकी टीममेट मेरा था वो बता दे रहा था कि तेरे बाजू से फुट आ रहा है, और जैसे उसने बताया वैसे मैंने इस बंदे को पेल दिया। अब यहाँ पे होता क्या गाइज कि जैसे जैसे हम यहाँ पे बंदों को मार रहे थे, कुछ कुछ बंदे हमको जो है ओपन में भी दिख रहे थे, अब ऐसे ही करके मेरे को एक बंदा दिखता है ओपन में बिल्कुल मेरे पीछे की साइड, हालांकि मैं देख रहा था, भले मेरे हेडफोन मैंने ना पहने हो लेकिन आदत तो वही है, लाइक चारों तरफ देखते रहना, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहना कि कहीं से टीम तो नहीं आ रही, बंदे तो नहीं आ रहे, अगर मूव भी कर रहे होते तो उनके विजुअल्स दिख जाते हैं, भागते हुए दिख जाते हैं। देखो हमारे बाजू में गाड़ी आगे रुकी ऊपर चली गई, पता भी नहीं चला हमको कुछ, मेरे टीममेट को तक पता नहीं चला, बताओ खैर उसको तो पता चल गया होगा था।
अब मेरे को ना ओपन में ही एक बंदा दिखता है, इसको मैंने नॉक कर दिया। अब मुझे नहीं पता था उसकी पूरी टीम है वहाँ पे। भाई साहब इस टीम को मारने में तो पूरी हालत टाइट हो जाती है, पता नहीं कहाँ से स्मोक आते हैं, कहाँ से पूरा एकदम उसको जुगाड़ करके बचाने की ट्राई करते हैं। उसके टीममेट बहुत ट्राई करते हैं पता, वो सामने वाले जो बंदे थे बहुत ज़्यादा ही ट्राई कर रहे थे वो। अब मैं भी यहाँ पे यार इतनी दूर से तो कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकता था यार, फुटस्टेप का भी कोई मतलब ही नहीं है पता इतनी दूर से। अब इतनी दूर से तो बस मारना ही था, एम ही है बस। मैं यहाँ से उस बंदे को मारने की ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन एक हेड लगा था उसे पेड़ के पीछे, बट इतना तगड़ा स्मोक कर रखा ना उसने बाजू में कि अगर उसके अंदर चले गए तो फिर तो बच ही गए वो, लगा लो। अब यहाँ मेरे टीममेट कह रहा था कि भाई मेरे को कॉन्स्टेंटली मार्क देता रहता मेरा टीममेट कि भाई इधर बंदा आ चुका है तेरे, बच के रहना कहीं ऊपर ना आ जाए। तो मैं तो पहले ही कूद के उसको मार दिया, क्योंकि यार इससे बढ़िया कि आप कैंप करो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फुटस्टेप आपको सुनाई नहीं देंगे तो सामने वाले की टाइमिंग पता नहीं चलेगी, और टाइमिंग पता नहीं चलेगी तो सामने वाला आपको झट से आके मार ही देगा तो पता भी नहीं चलेगा। सो इससे पहले कि वो आप पे रश करे उसके मुँह पे कूद जाओ, एटलीस्ट आपको दिखेगा तो वो कि मारना किधर है बंदे को। अब सामने वाली टीम को फाइनली जो है निपटा दिया, एक बंदा दौड़ रहा था उसको फिनिश किया, और वो शायद आखिरी ही बंदा था गाइस उनका। तो अब वक्त हो चुका था यहाँ से निकलने का, हमने गाड़ी उठाई, फायरिंग हुई। अरे इधर, अब मेरा टीममेट बोलता भाई ले जा लीजिए राइट, ले जा राइट ले जा। अब यहाँ पे जो है पूरे 4 vs 4 बंदे ओपन में फाइट कर रहे थे, मैं बस डैमेज देता ही रह गया गाइस। मेरा टीममेट ने भले ही निपटा दिया, वो अंदर चला गया था ऊपर ऊंचाई पे। अब मैंने सोचा यार यहाँ से मारने से बढ़िया है कि वो जो ट्रिपल स्टोरी है वहाँ से मारा जाए। तो मैं टीममेट को बोलता हूँ आ बैठ वहाँ पे चलते अपन। सो अपन सीधा यहाँ से बैठ के उस ट्रिपल स्टोरी पे चलते हैं। बट दिक्कत ये थी कि ट्रिपल स्टोरी को किसी ने क्लियर ही नहीं करा था, अब हमें क्या पता, बगी लगी थी नीचे। हम जाते हैं एकदम चौड़ में, अब आई होप ऊपर कोई हो ना मेरे हिसाब से। तो अभी तक फुट नहीं आ रहे थे, देखा मैप क्लियर है तो सीधा ही ऊपर चले जाते गाइस। अब बगी लगी थी शायद सामने वाले की, वो ऐसा भी हो सकता, कोई क्लियर व्लियर नहीं करा हमने, सीधा ऊपर आ गए अब ऐसे की तैसी फुट स्टेप की। अब हमारा प्लान था गाइस सामने वाले बंदों को मारना, लेकिन पीछे मेरा टीममेट मार्क देता है कि पीछे बंदे आ चुके हैं, और मेरा चार्जर भी हो ही नहीं रहा था गाइस इतनी देर में हेड पड़ता मेरे को। अब अगर आप गेम खेलते रहोगे और चार्ज पे लगा के रखोगे तो भाई आपका फ़ोन चार्ज तो होगा नहीं, आपकी अगर 4% बैटरी तो वो 4% ही रहेगी, और फ़ोन अलग एकदम 100 डिग्री का हीट हो जाएगा पता, उस पर ऑमलेट और तल सकते हो आप। अब यहाँ पे फिलहाल जो है पीछे से हेड पड़ रहे थे, और मैं यहाँ पे बस वेट कर रहा था कि कब वो ओपन में आए तो मैं उनको पेलूँ, और क्लोज में आ गए तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। हालांकि टीममेट है बताने के लिए, जैसे कि ये बग्गी वाले देखो, और आपको भी कोई भी साउंड नहीं आ रही होगी गाइस, क्योंकि साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बिल्कुल ही जीरो ही हो रखा पता, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ एक पिन ड्रॉप का भी पता नहीं चल रहा पता। फिलहाल मैं आजू बाजू देख रहा था, और ये भाई साहब देखो इसे मैं मारने की ट्राई करता हूँ बच जाता है, और ये दूसरी बार भी आएगा बंदा, दूसरी बार भी ऐसे ही पागलों की तरह घूम रहा था ओपन में, एंड इसको मैंने निपटाने की ट्राई करी थी बट बच जाता है दूसरी बार भी, देखो कैसे। क्या क्या करना चाह रहा वो बंदा मेरे को ये समझ नहीं आ रही, वो क्या करना चाह रहा, बार बार ओपन में आ रहा है, देख भी नहीं रहा वो उधर फायरिंग। हेडफोन मैंने नहीं पहने हुए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उसने हेडफोन नहीं पहने हुए। अब ये जो बंदे थे ना ये चुपचाप हमारे जो है क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिस बंदे को मैंने डैमेज दिया था ना गाइस वो बंदा भी मेरे क्लोज आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों डैमेज दिया था यार उसे, अब कहीं ना कहीं वो या उसके टीममेट क्लोज तो आएंगे, अब हेड पड़ा पीछे से, उसके बाद जो है धड़ाधड़ बंदे क्लोज आते हैं। अब मुझे क्या पता था नेड आ रहे कहाँ से, और वो नेड मेरे बिल्कुल मुँह पे फटता है, वापस रैप होता हूँ मैं, वापस इनको भर देंगे गाइस देखो जरा कैसे। मैं यहाँ पे थोड़ी सील कर रहा था, मेरा टीममेट जो है थोड़ा सा गेट कीप कर रहा था वहाँ पे कि कोई ऊपर आ ना सके, स्टेयर कीप कह सकते उसे। अब नीचे 2-2 फुट आ रहे थे, कूदना ही था हमें यार, वेट नहीं कर सकते थे, टाइमिंग का तो पता ही नहीं चल रहा था, मेरे टीममेट फिर भी पता लगा लेगा बट मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था, तो टीममेट ही कूद जाता मेरा नीचे। कूदा ना, हाँ कूद गया, चलो अब मैं भी जाता हूँ गाइस। मैं तो जोन के लिए भाग रहा था, बाहर में जाए टीममेट, बट टीममेट को मार दिया यार इन्होंने, तो मैंने बोला अब बाहर में जाए हर एक चीज़ मैं भी मार के ही मरूंगा इन्हें, और देखो उसे फिनिश कर दिया गाइस। देखो मैं भले ही प्ले जोन से मारा लेकिन उस बंदे को फिनिश कर दिया, चिकन डिनर भले ही नहीं हुआ लेकिन एक ठीक ठाक एवरेज किल इसमें निकल गए थे। बाय।